पे जो जनहित के कार्य हैं वो भी बड़े पैमाने पर बाधित हुए हैं। आगे फिर से बाधित होने की अभी भी हमें काफी संभावना लगती है। ऐसे में वहां के राज्यपाल महोदय को इन सबको गंभीरता से संज्ञान लेते हुए, जैसे हालात है इस समय पद और वर्चस्व को लेकर, जिससे जनता वहां पे काफी सफर कर रही है, तो मेरा वहां के राज्यपाल महोदय से अपील है कि ऐसे में वहां के राज्यपाल महोदय को इन सब ये जो वहां के जो हालात है उसको गंभीरता से उनका संज्ञान लेते हुए, तो अपने संविधानिक दायित्व को भी उनको जरूर निभाना चाहिए। जब ऐसे हालात है वहां पे और जनता सफर कर रही है, तो ऐसे में वहां के राज्यपाल महोदय की जिम्मेदारी बनती है कि वे अपने संविधानिक दायित्व को निभाएं। ये भी मेरा उनसे पुरजोर अनुरोध है, अपील है। इतना ही नहीं बल्कि राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री गहलोत ने बीएसपी के साथ लगातार दूसरी बार दगाबाजी करके व दल बदल कानून का खुला उल्लंघन करके हमारी पार्टी के विधायकों को जिस प्रकार से कांग्रेस में शामिल कराया है वह किसी से छिपा नहीं है, जिसके खिलाफ हमारी पार्टी मान्य कोर्ट में भी गई हुई है। तो ये लड़ाई हम पूरी लड़ेंगे। हाई कोर्ट में भी यदि हमें न्याय नहीं मिलता तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, लेकिन इस मामले को हम इस बार छोड़ेंगे नहीं। तो इस मामले को हम जरूर उच्च अदालत तक भी लेकर जाएंगे और हमें मान्य अदालत के ऊपर पूरा भरोसा है कि हमें इस मामले में जरूर न्याय मिलेगा। तो इसके साथ साथ मैं आज ये भी कहना चाहती हूँ कि लगातार जो आप भी मीडिया में दिखा रहे हैं, जो खबरें मिल रही हैं, तो पूरे देश में कोरोना महामारी की संख्या लगातार बढ़ रही है। बड़ा गंभीर मामला है और आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश में कोरोना महामारी के बढ़ रहे मामलों को लेकर कुछ मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई है। तो इस मामले में हमारी पार्टी का माननीय प्रधानमंत्री जी से ये कहना है, उनसे अपील भी है कि वे इसकी रोकथाम के लिए पूरे देश में एक नीति बनाएं और एक नीति बना के सख्त व कठोर कदम उठाएं, वरना ये तादाद और भी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि बहुत संख्या इनकी बढ़ती चली जा रही है। ये भी मेरा सरकार से ये कहना है, खासतौर से माननीय प्रधानमंत्री जी से, क्योंकि आज उन्होंने इस संबंध में मीटिंग भी बुलाई हुई है और कल उन्होंने बाढ़ को लेकर मीटिंग बुलाई हुई थी, क्योंकि देश में कुछ राज्य बाढ़ से ज्यादा प्रभावित है। उत्तर प्रदेश का खासतौर से पूर्वांचल एरिया, बिहार और भी कई राज्य बाढ़ से प्रभावित हैं। तो मेरा उनसे ये भी कहना है कि कोरोना महामारी के साथ साथ ये जो बाढ़ जो कुछ राज्यों में आई हुई है और कुछ राज्यों के क्षेत्रों में ज्यादा आई हुई है, तो इस ओर भी केंद्र सरकार को, वहां की राज्य सरकारों के साथ साथ केंद्र सरकार को भी ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा मैं एक और जरूरी मुद्दे पर अपनी पार्टी की के बारे में कहना चाहूंगी। मुझे ये मालूम हुआ है मीडिया के माध्यम से कि बीजेपी ने कहा है कि जरूरत पड़ी तो हमारी सरकार ही श्री परशुराम जी की भव्य प्रतिमा